Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर अब गुरुदेव की कृपा हो गई है, उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रख दिया है। तो ये निश्चित है कि यहाँ इस मॉर्निंग मिरेकल की क्लास में आने वाले व्यक्ति बहुत जल्दी रूबी, स्टार रूबी और बड़े बड़े लेवल पर होंगे। तो उसमें ये जो प्रोग्राम है ये बहुत आवश्यक है कि हम जो है, एक सेकंड, हाँ यस सर, चलिए, ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी स्टोरी कहने का अवसर जो है ना वो हमें मिला है, हम उसका पूरा उपयोग करें। तो जितने जल्दी हो सके अपने जो डेट है या आपका फोटो है वो आनंद जी के पास या मेरे पास भेज दें, जिससे हम जो है उसको आगे बढ़ा पाए। एक बहुत बार धन्यवाद। अपना नंबर, मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल देंगे सर। मैं अभी डाल देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, गुरुदेव भी हमारे बीच में मुझे दिखाई देने लग गए हैं। मैं विजय बरोदिया सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और दो मिनट का हमें आशीर्वाद दें और फिर गुरुदेव को हैंडओवर करेंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं थोड़ा सा ना ग्राउंड में आ गया, आज कहीं बाहर आया हूँ, कुरुक्षेत्र में हूँ, तो इसलिए आप यहाँ अंधेरा है ना, तो लाइट नहीं होगी। कल मैंने है ना अपने इधर आ गई लाइट, लो थोड़ा सा। आप अच्छे से दिख रहे हैं सर। दिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, यस सर, यस सर। मैं ग्राउंड में हूँ और सभी, क्योंकि अभी योगा करके और यहाँ हमारे जहाँ मैं आया हुआ हूँ तो सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, तो उनको साथ देने के लिए मैं निकल गया था। और मैंने कल अपने YouTube चैनल विजय बिरोदिया के ऊपर इसकी ब्रीफ डिटेल भी डाली है, जो अभी सिकंदर जी ने भी बताया था कि हमारे पास कुछ लगभग 14-15 दिन हैं सिर्फ, और 14-15 रातें हैं अभी। मैं सबसे बस यही निवेदन करूंगा, TCG का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और TCG इसमें बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने पहले कभी इस तरीके से बात करते हुए हमें, हमने नहीं सुना, जिस तरीके से जितनी एक्साइटमेंट के साथ वो हमें इनवाइट कर रहे हैं। तो ये जो भिलवाला वाला प्रोग्राम है वो बहुत शानदार होने वाला है, और अगर किसी को जाने में चैलेंज है तो उसके लिए भी 2 साल का मौका दिया गया है। कल भी मैंने इन्हीं बातों पे आपसे चर्चा की थी, अभी पूरे दिसंबर इसी चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो 5 बातों का करो प्रचार और रॉयल्टी और बड़ी अचीवमेंट के लिए हो जाओ तैयार। तो मैंने जो वीडियो कल डाला था वो 9 मिनट का है सिर्फ, मैं तो चाहूंगा कि सब लोग उसको भी प्रमोट करें 9 मिनट में, क्योंकि बहुत से लोग क्या है कि पूरा का पूरा लिंक और पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं देख पाते। तो उससे अपने को इस प्रोग्राम की गरिमा और सारी चीजें अपने को सही तरीके से पता चल जाती है। तो आप सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करें। मैक्सिमम लोग, अगर हमने इस IFC में पहुंचा दिए तो ये हमारा एक बहुत शानदार बेस मजबूत हो जाएगा, बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा और सारी जिंदगी भर हम बहुत अच्छा अपने आप को शाबाशी भी दे पाएंगे। तो इस पे आप लोग काम करें। और अभी तो क्योंकि मैं ग्राउंड में हूं तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। अभी जितेंद्र जी भी आ रहे हैं 21 तारीख को, शायद इनकी स्टोरी होगी, और जैसे इन्होंने बताया कि जो भी सीनियर हैं टेक्निकल अचीवर्स वो अपना कोई भी एक डेट फाइनल करके और इस प्लेटफॉर्म पे उनको एक एक्सपोजर मिलेगा और वो सीखेंगे, बोलना शुरू कर देंगे। और मैं रेगुलर आपके बीच में रहता ही हूँ, BC सर भी आपके बीच में रहते हैं, तो बहुत शानदार मौका है, आप सब लोग नोट करवाएं। थैंक यू वेरी मच। BC सर आगे क्या है हमारे बीच में सर? जी आगे गुरुदेव, आगे वो हमारे गुरुदेव जिन्होंने हम लोगों को बनाया है, तो हमारे बीच में है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और हम, जितेंद्र जी, मैं और BC सर, हम रेगुलर आपके इस पे सेवाएं दे ही रहे हैं। तो मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ BC सर को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेलकम सर, गुरुदेव आप सर। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सुबह 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 विजय जी की विजय हो, और विजय जी के नेतृत्व में सारे हिंदुस्तान की विजय हो, RCM परिवार की विजय हो। और इस बार का मार्च में विजय जी ने घोषणा करी दी है कि मेरा डायमंड हो रहा है, तो बिल्कुल विजय जी का डायमंड हो रहा है, और TCG ने उसके लिए पूरी तैयारी कर दी है। और उन्होंने जो बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया है, जिसकी की डिटेल पूरी विजय जी ने अपने YouTube पर डाली हुई है, वैसे बहुत ही सिंपल है, सरल है, कि जो लोग इसलिए 15,000 नहीं कर रहे हैं कि भाई हम बिलवाड़ा, हमारा टिकट नहीं बन रहा है या वो डेट पे हम नहीं आ पा रहे हैं
कि अभी हम जल्दी नहीं जा सकते, उनका वो किया हुआ बिजनेस आगे के लिए रिजर्व कोटे में डाल दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। और मैं उससे भी अच्छी खबर और दे देता हूँ, मतलब उससे अच्छी कहूँ या एक खबर और जो सभी पूरा आरसीएम परिवार कर सकता है, यानी क्योंकि मेरी खबर गामा ओरिजिनल से रिलेटेड है कि आप लोग जो लोग भी भिलवाड़ा आ रहे हैं, जो भिलवाड़ा आ रहे हैं वो लोग 6 पीस गामा ओरिजिनल या 12 या 30 करते हैं, तो 6 पीस वालों के लिए एक बहुत बढ़िया पिन बनी है। पिन की डिजाइन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो जैसे ही पिन की डिजाइन हमारे सामने आ जाएगी वो तो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। मतलब क्योंकि काफी लोगों की राय से हम जब पिन की डिजाइन पे वर्क करते हैं, तो जो पहले जो पिन मैंने आपको दिखाई है थोड़ा सा कुछ लोगों का सर और थोड़ा कुछ बेटर, तो पिन की डिजाइन पे वर्क हो रहा है। कल भी कुछ डिजाइने मेरे पास आई है, लेकिन थोड़ा कदरे दिल को देखते ही भा जाए। जैसे पहले हेल्दी आर्ट मिशन की पिन है, वो तो हमारे को सबको पसंद आई हुई है, लेकिन ये नई पिन चाहिए। तो 6 पीस गामा ओरिजिनल करके आने वालों को पिन है, ट्रॉफी की डिजाइन तो हो चुकी है, 30 पीस वालों के लिए ट्रॉफी है, 12 वालों के लिए एक बहुत खूबसूरत सर्टिफिकेट है। तो वो भिलवाड़ा आने वालों को तो वो वहां पर मिल जाएगा, लेकिन जो भिलवाड़ा नहीं आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं या जिनका भिलवाड़ा का टारगेट नहीं हुआ, लेकिन वो 6 पीस अपनी टीम से दिसंबर में और जनवरी में दोनों महीने में करवा सकते हैं, और वो उनके टेक्निकल अचीवर अपनी लिस्ट लाकर वो पिन यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा सूत्र है इसमें कि जितने लोग भिलवाड़ा आ रहे हैं उससे कई गुना, कई हजार गुना लोग हैं जो भिलवाड़ा नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो लोग 6 पीस गामा ओरिजिनल तो जरूर कर सकते हैं, नंबर एक। तो नंबर दो, दूसरी खुशखबरी ये है कि एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन कल मैडम ने मेरे पास भेजा है कि वाई हमें हार्ट के मामले में जन जागरूकता अभियान क्यों फैलाना चाहिए। पहले 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ होती थी, 33 सेकंड में, ये 2016 के आंकड़े हैं। और अभी जो नए आंकड़े जो आ रहे हैं उनको अगर गणना करें तो 1.5 सेकंड में एक डेथ हो रही है। 33 सेकंड में 1 से 1.5 सेकंड एक पे हम आ चुके हैं, और आपके चारों ओर खबरें आपको अचानक की डेथ वाली, कैसे साइलेंट रीजन से लोगों की जो जिंदगी जा रही है उसके ऊपर मतलब वर्किंग करने की जरूरत है। तो वो काम पे के लिए जो भी लोग 250 लोगों की मीटिंग, एक मीटिंग करानी है, 250 लोगों की मीटिंग करानी है, ऐसा जो भी कर पाते हैं उनको हेल्दी आर्ट मिशन के अवार्ड से भिलवाड़ा में, और काफी क्योंकि संख्या उसमें बहुत बड़ी होगी तो उसके सम्मान का जो मॉडल है वो अभी डिजाइन करेंगे, लेकिन उनको बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाएगा। और वो अवार्ड तो ऐसा है कि वो सभी साथी, पिलर अवार्ड में तो हार्ट मीटिंग करानी होती है, तो वो काफी साथी नहीं करा पाते हैं हार्ट मीटिंग, लेकिन हेल्दी आर्ट मिशन की तो एक मीटिंग का अवार्ड है, तो वो सभी साथी को लेना भी चाहिए और जन जागरूकता अभियान में मदद करनी भी चाहिए। उसका प्रेजेंटेशन मैं आपको कल सुबह की मीटिंग में दिखा दूंगा, पूरा मीटिंग में, कल मॉर्निंग की मीटिंग में दिखा दूंगा। और एक बहुत बढ़िया बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो दिन का 1 बजे का जो प्रोग्राम है, जो मातृशक्ति है, उन्होंने तो मतलब प्रोग्राम की ओपनिंग से ही पुरुषों पर भारी पड़ना शुरू कर दिया। उनका पहले दिन का प्रोग्राम सुपर डुपर सुपर से भी ऊपर गया, और कल दूसरा प्रोग्राम था पूजा अरोड़ा विरक जी का, वो तो सुपर डुपर ऊपर से भी कोई और ऊपर होता वो चला गया। 1000 तो वहां पर ऊपर मतलब आखिरी तक बने हुए थे, यूट्यूब पे लाइव था, और बहुत ही कमाल के प्रोग्राम महिलाएं प्रदर्शित कर रही है, और उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है, मतलब आपकी टीम में कोई भी महिलाएं अगर काम कर रही है और पुरुष भी काम कर रहे हैं, उनको अगर आप वो प्रोग्राम दिखा देंगे 1 बजे वाला, तो बिल्कुल बिल्कुल सर जितेंद्र सर सुबोध जी जो भी अपना नाम देना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, वो लोग जितेंद्र जी को
या आनंद जी को या मेरा नंबर हो तो मेरे को अपनी फोटो भी भेज दें, और अब तक जिन जिन के प्रोग्राम हो गए हम वो सारा दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 1 बजे का जो प्रोग्राम है वो बहुत बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनता जा रहा है और बहुत सुपर डुपर हिट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम की ऊर्जा, उस प्रोग्राम का एनर्जी लेवल, मतलब उस प्रोग्राम के बारे में मैं खुद भी सुनकर, मतलब मेरा इतने सालों का अनुभव है और इतने सालों के अनुभव में इस तरह के ऊर्जावान प्रोग्राम जिसमें महिलाओं का जोश, जुनून, जज्बा और कहानी देखने लायक बनती जा रही है, जो कि आरसीएम में, मतलब इवन जो यूएस की हमारी जो 8 बजे की मीटिंग होती है जिसमें सीनियर कोर लीडर होते हैं, उनकी मीटिंग को भी पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब ये बात आपको प्रैक्टिकल देखने के बाद ही अनुभव होगी। अगर आपको अपनी टीम में, बिजनेस में अगर कुछ उत्साह एनर्जी पैदा करनी है तो वो 1 बजे का जो प्रोग्राम है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उस एनर्जी और उत्साह को देखने के बाद में जैसे कोई एक नया जोश का सैलाब उमड़ रहा हो, वो आप 1 बजे के प्रोग्राम में खुद अनुभव करेंगे। तो इसलिए उस प्रोग्राम में जरूर जाए तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जो मिरेकल मॉर्निंग के प्रोग्राम में हम इतने दिनों से, तो लेकिन ये सारी चीजों के पीछे जो सेना है उसका नाम तो मिरेकल आर्मी है, और मिरेकल मॉर्निंग की इस आर्मी की बदौलत ही हम बड़े बड़े निर्णय ले पा रहे हैं। तो मैं इस आज की मिरेकल मॉर्निंग में मिरेकल आर्मी को बहुत 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 बधाई देना चाहूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी रहना चाहूंगा कि इसकी वजह से हम हिंदुस्तान में कुछ नई बातों को आयाम दे पा रहे हैं, कुछ नई बातों को ऊंचाई दे पा रहे हैं, कुछ नई बातों को अंजाम दे पा रहे हैं। लोगों को जो सालों लग जाते हैं एस्टेब्लिश होने में, महिला शक्ति का प्रोग्राम तो खुलते ही एस्टेब्लिश हो गया, और आज फिर एक कमाल की स्टोरी है। सर ये जो भी चैट बॉक्स पर मैसेज है वो आप थोड़ा नोट कर लें, देख लें। कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। और तो मैं इस आर्मी को सैल्यूट करता हूँ, और निश्चित रूप से जितेंद्र शर्मा जी ने जो, मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं कि हेल्थ गुरुकुल पे जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है उसका यूट्यूब बहुत ऊपर आ गया है। कल मैंने वो जो शॉर्ट वीडियो आते हैं उसमें आपका ऊपर बहुत ऊंचा स्थान देखा है। मतलब ऑटोमेटिकली पब्लिक इतना लाइक कर रही है कि जब लाइक करती है पब्लिक की पूरा आउटसाइड रेस्पॉन्स मिलता है तो यूट्यूब उसको ऊपर के स्थान पे ले लेता है। उस स्थान पे हेल्थ गुरुकुल का वीडियो आ चुका है, मतलब चैनल आ चुका है, तो आप सब लोग भी उसको सब्सक्राइब करें। और वाकई में बहुत सरलतम तरीके से अब केवल एक डेट शर्मा जी डिक्लेयर करेंगे कि किस डेट को जो क्वेश्चन के आंसर आप लोग दोनों में लेना, आपको इसमें भी लेना है और उसमें भी लेना है कि ये सवाल आए थे और ये जवाब आया है, तो एक दिन आप मुझे बता देंगे तो उसमें वो दिन खाली रखेंगे। आज का जो प्रोग्राम है वो माया मैडम का प्रोग्राम है, मधुसूदी मैडम का प्रोग्राम की डेट अलग है, लेकिन बहुत कमाल का प्रोग्राम रहेगा। डेली किसी का भी प्रोग्राम हो, आपके प्रोग्राम की क्वालिटी को कोई गरिमा नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे यहाँ पर स्टोरी हम किसी की भी देते हैं, देखो हर स्टोरी, कोई स्टोरी शुरुआती अवस्था में है, कोई स्टोरी पुरानी हो चुकी है, कोई स्टोरी में बहुत डेप्थ चली गई है, लेकिन स्टोरी हीरो की होती है, जो हीरो होता है ना उसी की स्टोरी बनती है। भाई जिसने, वो कहते ना मैंने आरसीएम ज्वाइन ही नहीं किया ये तो कोई कहानी नहीं है, या मैंने आरसीएम ज्वाइन किया काम नहीं किया ये तो कोई कहानी नहीं है, एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी, वैसी तो कोई कहानी नहीं होती है। कहानी का मतलब है उन्होंने ज्वाइनिंग किया है, उसके बाद संघर्ष किया है, ऐसे ही बिजनेस। देखो मैंने आपको कहा था कि बिजनेस समझ में आना एक भाग्य है और हमारे अंदर बिजनेस का उतर जाना फिर दूसरा भाग्य है, फिर शुरुआत करना और भाग्य है, फिर रॉयल्टी पर आ जाना अगला भाग्य है। लेकिन रॉयल्टी आकर भी कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, कई बार रॉयल्टी भी गलत तरीके से आ जाते हैं। तो भाग्य तो वो है जो इस बिजनेस में टिके हुए हैं, वो पर्ल बने तो स्टार पर्ल बनेंगे, एमरल्ड बनेंगे स्टार एमरल्ड बनेंगे, क्योंकि हमें सबका नंबर लेने की वजह से हम पहले एमरल्ड से ऊपर का लेते हैं, फिर पर्ल का भी लेंगे, स्टार पर्ल का भी लेंगे, और खास तौर से जो मिरेकल मॉर्निंग के प्रोग्राम में डेली बने हुए हैं उनका तो सबका लेंगे।
एटलीस्ट पल का, स्टार पल का, बस आप अपनी सुविधा से। और मैं आपको बता देना हूं, स्टोरी के लिए आपको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सीखना है, आपका स्टोरी कहना ही आपको सिखाना है। स्टोरी का मतलब है आपके साथ इस बिजनेस में जो जो घटित हुआ है, उस घटनाक्रम को जिस भी तरीके से टूटे फूटे अंदाज में जो कुछ हुआ उसको कहना है। कुछ उसमें मिलावट नहीं करनी है, कुछ उसमें बनावट नहीं करनी है, और वो कहना जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपका लीडर मेकिंग का प्रोसेस हल हो जाएगा। क्योंकि जब आप बोलोगे तो देखो, एक बात मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं कि हमें इस बिजनेस में सुनने का पैसा नहीं मिलता है, हमें इस बिजनेस में बोलने का पैसा मिलता है। तो आप बोलोगे तभी अपनी किस्मत खोलोगे, आप बोलोगे तो किस्मत खोलोगे, सुनोगे तो किस्मत नहीं खोलोगे। इसलिए बोलने वाला बनना है। और हम तो चल के आगे से, लोग तो कहते हैं सर मुझे मौका ही नहीं दिया, हम तो मौका दे रहे हैं। आप हमें अपनी तस्वीर भेजिए तो हम तस्वीर भी दिखाना शुरू करेंगे इस प्रोग्राम में भी, जैसे महिलाओं के प्रोग्राम में दिखा रहे हैं कि अब तक इन लोगों की स्टोरी हो चुकी है। थोड़ा सा हमारा, क्योंकि अब जैसे हमारी आज की इस मीटिंग के बाद में एक मीटिंग और फिर 9 बजे कोर की मीटिंग टीसीजी के साथ में, तो कुछ इस तरह से व्यस्तता की वजह से कुछ प्रेजेंटेशन बनाने में कोई जो कमी रह जाती है उसके लिए तो मैं क्षमा याचना चाहूंगा। लेकिन एक तो 250 लोगों की मीटिंग की एप्लीकेशन आप गामा के नंबर पर भेजना शुरू कर दें, जितेंद्र शर्मा जी के, आनंद जी के, जो भी नंबर आपके पास अवेलेबल हो, ताकि वो प्रोसेस, वो अवार्ड तो आपका चालू हो जाए। और उस मीटिंग में भी हम आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल, आप हर हाल में मदद के हकदार हैं। और इस बिजनेस में कामयाब होने का सबसे सरलतम अगर कोई सूत्र है, सबसे सिंपलीस्ट सूत्र है, तो उसका नाम है मदद लेने की कला और मदद देने की कला। आप में जितने ज्यादा काबिल लोगों से मदद लेने की कला आ जाएगी, मदद लेने का हुनर आ जाएगा, आपकी कामयाबी उतनी ही सुनिश्चित होती जाएगी। भाई अगर कोई भी बहुत सीनियर काबिल अनुभवी व्यक्ति आपकी मदद करेगा तो उसके पास तो सारी अनुभव है। जैसे अभी हमारे यहाँ कदम जी का उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया टीम में, और जब से उन्होंने अनाउंसमेंट किया, मतलब ये सब लोग टीम में क्रांति आ गई। अब वो अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से उन्होंने अनाउंस किया कि भाई जो भी व्यक्ति मेरे 2 दिन या 3 दिन लेना चाहता है, मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊंगा, बस 1 दिन में 4 मीटिंग 8 मीटिंग बिना किसी अनाउंसमेंट के, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, जैसी भी कराने की ताकत हो तो मेरी मदद लेकर अपने बिजनेस को ग्राउंड लेवल पर मेरे से काम करवा के बिजनेस को खड़ा कर सकता है। और कदम जी ग्राउंड लेवल पर वर्किंग के बादशाह है, मतलब आपके अपलाइन ग्राउंड लेवल पर, जैसे विजय जी है, अब विजय जी तो बादशाह है काम करने के ग्राउंड लेवल पे। अगर उनकी टाइम मदद आपको ऐसे मिल जाए कि अब मैं वो जो पेड मीटिंग नहीं, मैं आपकी ग्राउंड लेवल पे मदद करने के लिए आ सकता हूँ, तो ऐसा अगर आपको अपलाइन की ऐसी मदद मिल जाए तो आपकी बल्ले बल्ले है। और बस आपका काम है उस समय कि आप कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, नए कितने लोगों से अपने अपलाइन को मिला सकते हैं, बाकी का काम सारा अपलाइन जाता है। तो मदद लेने की कला, और जब आप मदद लेने की कला के साथ साथ आपके ग्राउंड पे जाकर लोगों की मदद देने की कला, आप उनको कैसे जाके मदद करें कि उनका हौसला, उनकी टीम खड़ी हो जाए, उनका मतलब नए लोग वो जिससे भी मिलाए, देखो नए लोग जो लोग ज्वाइन होते हैं ना आपके, उन ज्वाइन हुए लोगों के पास सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, उनके पास लोग हैं। उनके पास क्या है? लोग हैं। हम क्या करते हैं? उनके लोगों से लेने के बजाय उसको बेचने पर लगा देते हैं, जा तू तो बेच और खत्म हो जा। उसको खत्म होने पर नहीं लगाना है, उससे 100 लोगों की लिस्ट लेनी है और उसकी मदद करके वो 100 लोग उसकी टीम में ज्वाइन कराने हैं, उससे 200, और उन 100 के माध्यम से 100। यही नेटवर्किंग की साइंस है कि आप जंपिंग थ्रू विंडो की टेक्निक को सीखकर, जंपिंग थ्रू विंडो को वापस समझ ले। एक दिन मीटिंग में मैंने
जैसे मान लो आपने मेरे को ज्वाइन कराया है, तो मेरे को बेचने में मत लगाओ कि मैं नया आदमी हूं, मैंने अभी किसी को ज्वाइन नहीं कराया, प्लान नहीं दिखाया था, तो मेरी जो लिस्ट है, मेरे जो 100 आदमी, जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार, और मैं ज्वाइन हुआ हूँ, इसका मतलब मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी है। तो आप मेरे की मदद, मेरी मदद करके वो लिस्ट जो है उसको ज्वाइन करा लीजिए, ये आपका नेटवर्क बन गया। और फिर वो जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनकी मदद करके उनके लोगों को ज्वाइन करा लीजिए। ऐसा ही तो करके हमने आरसी में 2 करोड़ लोगों तक पहुंचाया, हमने ज्वाइन कराया, लोगों ने उनको यूज करके खत्म कर दिया कि भाई तुम तो बेचो बेचो बेचो। बेचने का काम नहीं है, प्रमोट करने का काम है पुराने आदमियों के द्वारा। नया आदमी अभी आप ऐसे बाजार के हवाले उसको छोड़ दोगे तो उसको वो खा जाएंगे, और वो थक जाएगा तो वो रुक जाएंगे। इसलिए लोगों को थकाना नहीं है, लोगों की मदद करके उनके नेटवर्क को बिल्ड करके अपने नेटवर्क को बिल्ड कर लेना है, और उनके साथ उनके लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो वो उनको चला के रखेंगे। मेरी टीम में मेरे साले को ज्वाइन करा दोगे तो साला मेरे को बांध के रखेगा कि कहाँ जा रहे हो जीजा जी, मैं तो काम करना है मेरे को। तो मेरे पड़ोसी को ज्वाइन करा दोगे मेरी टीम में तो आपके किसी बंदे को, तो वो मेरा पड़ोसी मुझे बांध के रखेगा, भैया आपने हमें ज्वाइन कराया था, आप छोड़ के कैसे जा सकते हो। इसलिए हमारे नीचे, मतलब जो आदमी को ज्वाइन करा रहे हो उसके नीचे उसके परिवार को, उसके दोस्तों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके पड़ोसियों को आप मदद करके ज्वाइन करा देते हो, तो ये नेटवर्किंग की प्रॉपर साइंस है, ये नेटवर्किंग का प्रॉपर विज्ञान है, इसको जंपिंग थ्रू विंडो टेक्निक कहते हैं। इसी तरीके से आप करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो, क्योंकि अगर आपका एक साला है तो उस साले के आगे फिर कोई साला है, और उस साले के आगे भी फिर कोई साला है, आपका कोई दोस्त है तो उस दोस्त के भी फिर कोई दोस्त है, आपका कोई पड़ोसी है तो पड़ोसी के भी कोई पड़ोसी है। इसी साइंस के आधार पर आप अगर नेटवर्किंग को आगे बढ़ाओगे और फिर प्रोडक्टों को प्रमोट करोगे, प्रोडक्टों को प्रमोट करोगे तो वो 100% प्रोडक्ट यूज करने वाले बनेंगे, तो आपके नेटवर्क में किसी की भी वीकर, अगर आपको जंपिंग थ्रू विंडो की टेक्निक आ जाती है और जंपिंग थ्रू विंडो की टेक्निक में आप महारत हासिल कर लेते हो, तो आपकी वीकर ले वीकर कैसे रह सकती है, कैसे पॉसिबल है ये। आप अगर उस पर ग्राउंड वर्क करो, उस पर टाइम डालो और उसमें मदद करने वाले बन जाओ, उनको सिर्फ ये बोलो तुम कुछ मत करो, मैं आ रहा हूं, आप 20 लोगों को 25 लोगों को, कोई टिकट नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई चाय पानी नहीं है, 20-25 लोगों को जहां इकट्ठे कर सकते हो करो, और उन 20-25 लोगों में से इस ऐसी कितनी मीटिंगें निकाल के 10 उस इलाके में धूम धड़ाम करके, एक एक दिन में 4-6-8 मीटिंगें करके, दूसरे दिन में 16 मीटिंगें करके आपने अगर उस बिजनेस को, उस इलाके को खड़ा कर दिया, तो वो तो आपकी वीकर लेग वीकर कैसे रहेगी। इसके अलावा जहां पर भी कोई बड़ी मीटिंग हो रही है, और अगर आपकी वहां पर वीकर लेग में से कोई भी ज्वाइन है, जैसे मान लो मेरी मीटिंग हो रही है 15 जनवरी को सूरत में हो रही है, 29 जनवरी को अभी 18 दिसंबर को दिल्ली में हो रही है, किसी की भी, मेरी कोई जरूरी नहीं है, कोई भी सीनियर लीडर की मीटिंग हो रही है जिसमें मोमेंटम होता है, जिसमें अच्छी गैदरिंग होती है, जिसमें अच्छा माहौल होता है, जिसमें अच्छी नॉलेज होती है, तो आपको क्या करना है बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जैसे दिल्ली में मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी 18 दिसंबर को दिल्ली में है, इसके अलावा फिर 15 जनवरी को सूरत में है, 29 जनवरी को यहाँ पर हैदराबाद में है, और मैं तो कह रहा हूँ दिन की 1 बजे की मीटिंग का मोमेंटम ही इतना शक्तिशाली है कि उस मीटिंग में भी बिठा दोगे तो वो बंदा चल गया। अब आपको क्या करना है, जैसे दिल्ली मान लो, दिल्ली या हैदराबाद या सूरत या जहां भी पीछे पर जो भी स्टेशन हो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, उस शहर में 2 दिन पहले जाना, 2 days before आप क्या जाते हो, सेम डे जाते हो, और कभी भी भूल के उसके घर पे नहीं ठहरना है जिसकी मदद करने जा रहे हो। कभी भी नेटवर्किंग में एक प्रिंसिपल है कि आपको किसी के भी घर पे नहीं ठहरना है, घर पे ठहरना तो बिल्कुल भी नहीं है, उसके घर पे ठहरते ही आपकी लीडरशिप खत्म हो गई, अब आप लीडर रहे ही नहीं, यू आर नॉट ए लीडर। अपनी कमजोरियां किसी के सामने नहीं आने देनी है, आपका ग्लैमर तब बना रहेगा, आपके जैसा तब बनना चाहेगा वो,
तब आप उससे दूरी बना के रखोगे, दिल से नजदीकी और बाकी चीजों से दूरी। दिल से तो उसके करीब हो जाओ, लेकिन बाकी चीजों में उसके साथ दूरी बना के रखो, ज्यादा चिपकना नहीं है। तो आप अब वहां पर जिसकी मीटिंग हो रही है उसकी तारीफ करनी, तारीफ का मतलब उसका प्रमोशन करना है कि ये लीडर की जो मीटिंग है ये कमाल की मीटिंग होती है। मतलब उसमें तो जो बैठ गया उसकी तकदीर बदल जाती है, उनका हाथ सिर पे आ जाए तो किस्मत बदल जाती है, उनकी नजरें पड़ जाए तो उनके साथ फोटो खींचने का मौका मिल जाए तो सालों बाद नंबर आता है। ऐसे ग्रेट लीडर जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बनाई है वो कब क्या पता कब आ पाते हैं। तो हमें मौका छोड़ना नहीं है। और बात यह है कि आपको नहीं, अपने दोस्त रिश्तेदार, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने लिए, सबको इकट्ठा करो। मैं उनको समझाता हूं और इस मीटिंग को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना अपने को। मतलब उस मीटिंग में आप अगर दो दिन पहले जाके मीटिंग में जो चार लोग बैठने वाले थे उनको 40 पे पहुंचा देते हो तो समझ लो वो शहर भी आपका खड़ा हो गया। आपका दो दिन पहले जाने का पर्पज यही है कि उनके अंदर वो उत्साह पैदा करना कि वो उस मीटिंग में बैठे ही बैठे उस उनकी टीम में उनके साथियों में जो भी कमजोरी कमी आ गई, मतलब उस शहर में जितनी भी ज्वाइनिंग है और उन ज्वाइनिंगों के माध्यम से कितने नए लोग बैठ सकते हैं, उनको उस मीटिंग में बिठाना और उस अपलाइन के साथ में मिलवाना, फोटो खिंचवाना, उसको ऐसे एहसास करवाना कि ये इतने सीनियर आदमी थे, इनको अच्छे तरीके से जानते हैं और इनको मानते हैं, इनके साथ इनका अच्छा करीबी रिश्ता है। उस आदमी को, नया आदमी के पास में अभी कोई विजन नहीं है, उसका ये विजन बनाना कि इस टॉप सीनियर लीडर कंपनी का इनको बहुत करीब से जानता है और इनकी वैल्यू करता है। और फिर बाद में अगले दिन रुक के या उस सेम डे रुक के वो जितने भी लोग मीटिंग में बैठे अब उनके साथ वन टू वन मीटिंग करनी है और उनको कहना है कि अब मैं आपकी मदद के लिए, अगर आप कहें तो मैं अभी रुकने को तैयार हूँ, और नहीं तो मैं 4 दिन बाद 5 दिन बाद या आने को तैयार हूँ। आप अभी कोई काम नहीं करेंगे, बस मैं चाहूंगा कि अब आपके बिजनेस को मैं खड़ा करूं और मैं आपको रोल्टी पर लेके चलूं, उसके लिए बस आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेरे को मिलवाने का प्रयास करें। और अगर आप अभी इस मामले में बहुत ज्यादा कच्चे हैं आप में, तो आप किसी अप्लाइंट को ले जाए, यानी लोगों के माध्यम से लोगों को लाना, इसको कहते हैं नेटवर्किंग। लोगों के माध्यम से लोगों को ढूंढकर उनका नेटवर्क खड़ा करने को कहते हैं नेटवर्किंग। और यू आर इन द नेटवर्क इंडस्ट्री। अगर आप इस जंपिंग थ्रू विंडो को कभी छोड़ेंगे नहीं तो कोई ऐसा दिन हो ही नहीं सकता जब आपका नेटवर्क ना बढ़े। और दूसरा, अपने अंदर किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट कभी भी नहीं आने देना। उसके लिए आपको सही माहौल में बैठनी, या तो बहुत टॉप लेवल की किताबें पढ़नी है, टॉप लेवल की कैसेट सुननी है, मतलब जिसको सुनकर मोटिवेशन आ जाए, आपके हल्कापन रहे, ताजगी रहे, तो बिल्कुल। और मतलब ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो अगर उस तरह की टेक्निक्स को आप समझ जाएंगे, होम मीटिंग के विज्ञान को आप समझ जाएंगे, लिस्ट मेकिंग के विज्ञान को आप समझ जाएंगे, प्रोडक्ट प्रमोशन के विज्ञान को आप समझ जाएंगे, तो कोई कारण नहीं किसी शहर को कैसे खड़ा किया जाता है, बिजनेस को बाहर कैसे निकाला जाता है अपने गांव के दायरे के। जितने ज्यादा शहरों में आपका बिजनेस होगा, प्लस शहरों का मतलब गांवों में शहरों में, यानी जितने ज्यादा स्टेशन पे आपका बिजनेस होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस सुरक्षित रहेगा। जितने ज्यादा लीडर आपकी टीम में होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस सुरक्षित रहेगा। और जितनी ज्यादा आपके बिजनेस में प्लान दिखाने वाले होंगे, इनको वाइटल साइंस कहते हैं, जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में होम मीटिंग लेने वाले, जितने ज्यादा लोग आउट स्टेशन पर निकलने की काबिलियत वाले होंगे, जितने ज्यादा लोग आपके मीटिंगों में बैठ रहे होंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा, सुरक्षित रहेगा, सिक्योरिटी के साथ चलेगा। तो बहुत सारी बातों के साथ में आज जिनकी स्टोरी हमारे बीच में है वो सिलचर आसाम से है, और उनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो बंगला है, लेकिन आज वो हिंदी को बखूबी जानते हैं और बहुत काबिल लीडर हैं और बहुत मेहनत करते हैं। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बिजनेस में 4 चीजें आपको आनी चाहिए। एक तो मेहनत करना, फिर अपने बिजनेस को डुप्लीकेट करना आना चाहिए। अगर आप केवल मेहनत कर रहे हैं, डुप्लीकेट करना नहीं सीखे हैं, तो आप फिर जिंदगी भर ग्रो नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि डुप्लीकेशन की जो ताकत है नेटवर्किंग की, वो आपके बिजनेस में समा जानी चाहिए, और डुप्लीकेशन के बाद में आपको आना चाहिए प्रमोशन करना, ताकि आपकी जो टीम बढ़ गई है उस तक सारी बातें प्रमोटेड वे में पहुंचे। आपका प्रमोशन का जो जादूगरी है वो कितना इफेक्टिव है, वो आपके प्रमोशन की जादूगरी ही आपका प्रमोशन है। मतलब अगर आपकी टीम लोगों को एडॉप्ट नहीं कर पा रही है, जैसे भी आप अपनी टीम को भिलवाड़ा नहीं ला पा रहे हो, तो इसका मतलब है आप भिलवाड़ा का प्रमोशन नहीं कर पा रहे, यानी आपको अभी प्रमोशन करने में कमजोर हो। आपकी टीम मीटिंगों में नहीं बैठ रही है, इसका मतलब आप अपलाइन का या मीटिंगों का प्रमोशन नहीं कर पा रहे हो। आपकी टीम प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही है, इसका मतलब आप प्रोडक्टों का प्रमोशन नहीं कर पा रहे हो। यानी प्रमोशन एक कला है, एक जादूगरी है, वो आप करना सीखेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ऊंचाई पे जाएगा, और फिर अपनी लीडरशिप को आप जितना ग्रो करेंगे, और आपकी लीडरशिप ग्रो करने की पहली स्टेज है कि यू मेक योर स्टोरी एंड टेल योर स्टोरी एंड वी विल सेल योर स्टोरी। हम आपकी कहानी को पूरे हिंदुस्तान में आपसे पहले पहुंचा देंगे। हमारे YouTube चैनल पे जैसे ही आपकी कहानी आएगी, वो एडिट होगी, उसका प्रमोशन होगा, उसका प्रचार होगा, उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो देखेंगे। तो यानी आप जहाँ नहीं पहुंचे हिंदुस्तान में, आपकी कहानी पहले ही वहां पहुंच चुकी होगी, और आप जब उस स्क्रीन पे आ जाते हैं तो आपको लोग एज ए हीरो देखने लग जाती है। आप जब उनके यहाँ पर शहर में मीटिंग लेने जाते हो तो लोग कहते हैं, अरे इनको तो मैंने बहुत बार सुना था, बहुत अच्छा बोलते हैं, आज मैं पहली बार इनको फिजिकली देख पा रहा हूँ, तो वो बड़ा गर्व महसूस करता है। ये अमिताभ बच्चन को चेहरे स्क्रीन पे आपने देखा है, अचानक आपके घर आ जाए, आपके गाँव में आ जाए, और अमिताभ बच्चन आ गए, तो ये वो लोग जो स्क्रीन पे उस शहर में पहले पहुंच रहे हैं वो भी अमिताभ बच्चन है। इसलिए अपनी कहानी को कहिए। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India.